नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। गुजरात में दर्दनाक हादसा, भरूच के दहेज इंडस्ट्रीज एरिया में केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट। प्रदेश भर में निकाली गई रामनवमी पर्व पर शोभा यात्राएं, मनमोहक झांकियों के साथ भगवान राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली। खेतों की रखवाली करने गए किसान की हुई हत्या, क्षेत्र में फैली सनसनी, पुलिस जुटी जांच में। और जिस तरीके से जो है एमएलसी। और खबरें विस्तार से। गुजरात के भरूच जिले में सोमवार को केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से विस्फोट हो गया, जिसमें 6 मजदूरों की मौत हो गई। घटना अहमदाबाद के करीब 235 किलोमीटर दूर दहेज इंडस्ट्रीज एरिया में सुबह 3 बजे की है। भरूच एसपी लीना पाटिल के मुताबिक मजदूर एक रिएक्टर के पास काम कर रहे थे, जिसमें अचानक विस्फोट हो गया। इसमें सभी की मौत हो गई। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिस वक्त आग लगी उस वक्त ओम ऑर्गेनिक कंपनी में डिस्टिलेशन प्रोसेस चल रही थी। आग इतनी भीषण थी कि दूर से ही धुएं के गुब्बार दिखाई दे रहे थे। हादसे के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इस घटना से मृतकों की परिजनों को गहरा सदमा लगा है। आग इतनी भीषण थी कि कंपनी का सारा सामान जलकर राख हो गया। खबर सूरतगढ़ से, जहां हर वर्ष की भांति हनुमान जी की शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा सूरतगढ़ के ढाब से प्रारंभ की गई और खिचड़ी मंदिर में संपन्न हुई। इस शोभा यात्रा में तमाम शहर के जनों ने हिस्सा लिया। शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए खिचड़ी मंदिर में पहुंचे। खिचड़ी मंदिर में हनुमान जी की आरती से संपन्न हुई। शहर में जगह जगह पुष्प से बारिश भी की गई और महिलाओं व बच्चों ने भी हिस्सा लिया। पुलिस प्रशासन ने शोभा यात्रा में अहम भूमिका निभाई और सिटी थाना प्रभारी रामकुमार मेघा ने जोधपुर के तिमरी से खबर, जहां रामनवमी के अवसर पर बजरंग दल और विश्व हिंदू। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। उज्जैन में ट्रिपल मर्डर, 34 साल की महिला की लाश पलंग पेटी में मिली, बेटे और पोते के शव 28 किलोमीटर दूर मिले। झारखंड रोपवे रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा, रेस्क्यू के दौरान गिरी महिला की मौत, हादसे में 45 घंटे बाद 46 को बचाया गया। विधान परिषद चुनाव में जिले में लहराया बीजेपी का परचम, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह ने लगाई हैट्रिक। और खबरें विस्तार से। झारखंड के देवघर में त्रिकुट पर्वत पर रोपवे हादसे के 45 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया। रोपवे की ट्रोलियों में फंसे 48 लोगों में से 40 को बचा लिया। हादसे में कुल 4 लोगों की मौत हुई और 12 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। रेस्क्यू के दौरान दूसरे दिन भी एक महिला ट्रॉली से गिर गई, उसकी मौत हो गई। सोमवार को भी एक युवक की हेलीकॉप्टर पर चढ़ने के दौरान गिरने से जान चली गई थी। मंगलवार को तीसरे दिन 7 घंटे के करीब ऑपरेशन चला। एयरफोर्स और आईटीबीपी के जवानों ने हेलीकॉप्टर से 2500 फीट ऊंचाई पर पहुंचकर रोपवे की 3 ट्रॉलियों में फंसे 15 लोगों को निकाल लिया। ऊंचाई और तेज हवा होने की वजह से यह सबसे मुश्किल रेस्क्यू हुआ। रेस्क्यू के दौरान एक जवान के पैर में चोट लग गई। एक दिन पहले सोमवार को सेना, वायुसेना और आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीम ने 12 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन किया। इसमें 33 लोगों को 3 हेलीकॉप्टर और रस्सी के सहारे बचाया गया। रेस्क्यू के दौरान सेफ्टी बेल्ट टूट जाने के कारण एक व्यक्ति की हेलीकॉप्टर से नीचे गिरकर मौत हो गई थी। अंधेरा और कोहरा हो जाने की वजह से ऑपरेशन को बंद कर दिया गया था। वायुसेना और एनडीआरएफ की टीम अतिरिक्त सतर्कता बरती।
टीम में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि 3 ट्रॉली सबसे ऊंचाई पर थे, जिसकी वजह से रोपवे के तार के कारण लोगों तक पहुंचने में कठिनाई आई है। उज्जैन में ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया। 75 साल की मां, उसके बेटे और पोते की हत्या कर दी गई। थाना चिमनगंज मंडी के हरिनगर स्थित मकान में महिला का शव पलंग पेटी के अंदर मिला। उसके हाथ पैर बंधे थे। 28 किलोमीटर दूर इंगोरिया थाना इलाके में बुरावदा गांव में उसके बेटे और पोते के शव झाड़ियों में मिले। महिला का शव 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। बुरावदा में सोमवार की रात को शव मिले थे। इनकी पहचान 45 साल के राजेश नागर और उनके 21 साल के बेटे पार्थ के रूप में हुई। पहचान पत्र के आधार पर पुलिस मंगलवार सुबह हरिनगर स्थित उनके घर पहुंची। मकान पर ताला लगा था। पड़ोस के लोगों से पता चला कि 5 दिन से किसी ने भी घर वालों को नहीं देखा। इसके बाद FSL टीम को बुलाया और एक एक कर मकान के 3 ताले तोड़े गए। अंदर से बदबू आ रही थी। जब पलंग पेटी को खोला गया तो सरोज नागर की रजाई से ढकी हुई लाश मिली। तीनों शव पर धारदार हथियार के निशान हैं। एडिशनल SP आकाश भूरिया, CSP अश्विन नेगी और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर जांच की। पड़ोस में रहने वाले लोगों ने बताया कि परिवार में 3 सदस्य का किसी से ज्यादा मेलजोल नहीं था, न ही किसी से बातचीत करते थे। राजेश की पत्नी भी उसके साथ नहीं रहती थी। रायबरेली से खबर, जहां बीजेपी के प्रत्याशी व राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रभार सिंह ने एक तरफा मुकाबले में सपा प्रत्याशी वीरेंद्र शंकर सिंह को हराकर बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह लगातार 3 बार MLC व बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह 2304 मत मिले हैं। सपा प्रत्याशी वीरेंद्र शंकर सिंह को 129 वोट मिले। निर्दलीय प्रत्याशी मनीष कौशल और रविंदर सिंह को 4-4 वोट मिले। 23 मतों को अवैध घोषित किया गया। MLC चुनाव में आपने फतह हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर से मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अपना प्रत्याशी बना करके हमको रायबरेली जनपद में भेजा, हमारे ऊपर भरोसा किया, हमारे ऊपर विश्वास किया और पंचायत प्रतिनिधि भी उस कसौटी पर खड़े उतरे। रायबरेली जनपद के मैं उन पंचायत प्रतिनिधियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 95% लगभग 95% मत दे करके उन्होंने विजयी बनाया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और रायबरेली जनपद के इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उन दलों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो रायबरेली जनपद में हमेशा राजनीति करते आए हैं और कहते थे ये कांग्रेस का गढ़ है। मैं समझता हूँ रायबरेली जनपद में कांग्रेस खत्म होकर के मोदी का गढ़ बनने की ओर अग्रसर हो रही है। जोधपुर से खबर, जहाँ तिवरी पंचायत समिति के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय तुलछाणियों की ढाणी वीर तेजाजी नगर में कक्षा 8वीं का आशीर्वाद समारोह व भामाशाह सम्मान का आयोजन किया गया। विद्यालय के संस्था प्रधान मदन लाल चौहान ने बताया कि विद्यालय में बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें महंत बड़ा राम द्वारा चेला राम शास्त्री और SBO जगदीश सिंह सारण व RP पद्माराम जाखड़ और उपप्रधान खेमाराम बाना मौजूद रहे। भामाशाह जावताराम बाना के द्वारा वाटर कूलर, साथ ही गांव के अध्यापक उमाराम चौधरी ने 51,000 चेक राशि विद्यालय विकास के लिए सहयोग दिया। समाज सेवी मागाराम बाना के द्वारा 51,000 रोकड़ विद्यालय के विकास के लिए दिया गया। गाँव के समाज सेवी शिवनाथ राम बाना द्वारा विद्यालय का मुख्य द्वार बनाने की घोषणा की गई। भामाशाह अर्जुन राम लोथिया ने, संस्था प्रधान मेज भागाराम भादु ने अलमारी व प्रोग्राम प्रेमाराम ने विद्यार्थियों के लिए बैठने के लिए मेज व स्टूल की व्यवस्था की। बीकानेर से खबर, जहां कोलायत में अनुपम कला कुंभ बीकानेर द्वारा कोलायत में एक दिवसीय चित्रकला कार्यशाला का आयोजन किया गया और सीखो और सिखाओ के माध्यम से कोलायत कपिल सरोवर के परिसर में दीवारों पर सौंदर्यकरण और स्वच्छता के लिए चित्रकारों द्वारा चित्रों से सौंदर्यकरण किया जाएगा। इस कार्य के लिए वरिष्ठ उमाशंकर सेन और शर्मन नाथ और धर्मा पेंटर व स्थानीय चित्रकार रूप किशोर सेन के द्वारा उनकी पूरी टीम के साथ एक दिवस में पूरा कार्य किया जाएगा। इस कार्य को लेकर घाट का निरीक्षण किया गया। कपिल मुनि के मंदिर से लेकर हनुमान जी के मंदिर तक यह चित्रकारी की जाएगी। उमा शंकर और रूप किशोर ने बताया कि 17 अप्रैल 2022 को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक यह कार्यक्रम किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंदर जो भी चित्रकार प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहेंगे उसको भी सम्मान किया जाएगा और सबसे बड़ी बात की यह कार्य प्रेरणा से चित्रकार लोग कर सकेंगे। एक दिवसीय चित्रकारी कार्यक्रम में शामिल होकर उनका उत्साह बढ़ाएंगे। इस अवसर पर स्थानीय ग्रामीण खियाराम सेन, अरुण राठौड़ भी मौजूद रहे। धर्मा चित्रकार, धर्मा बीकानेर से, हम यहाँ पे अभी खोला क्षेत्र में आए हुए हैं यहाँ का सौंदर्यकरण के लिए। हमारे श्री SK नाथ जी
इन्होंने काफ़ी टाइम से ये सोच रखा था कि यहाँ पे आते हैं, देखते हैं, कभी कहीं पीक थूकता है, कभी यहाँ पे गंदगी खिलाता है। तो इन्होंने बोला कि यार धर्मा जी, कैसा हो कि हम यहाँ पे एक वर्कशॉप रखें, बड़ा कला कुंभ रखें एक, जिसमें कभी बीकानेर के और सभी यहाँ के कोलायत के या अपने जो भी आर्टिस्ट है या बच्चे हैं जो भी है वो उसमें हिस्सा ले सके और एक एक अपनी पेंटिंग बने, यहाँ के धार्मिक पर्वती या प्राकृति के चित्रण ये किया जाए। यहाँ पे सौंदर्यकरण का कार्य करेंगे, सौंदर्यकरण हो गया जी, सौंदर्यकरण के लिए। और यहाँ से पूरा ये घाट है, जितनी भी दीवारों पे ये सारा कलर पेंट लगा के, और अपनी तरफ से ही एस के नाथ जी अपना खुद का ही जी वो कर रहे हैं और यहाँ के सहयोग सबका ले रहे हैं। धन्यवाद। सहयोग के रूप में कैसे हैं बता सकते हैं? सहयोग में मतलब यहाँ पे जितना भी है कलर वगैरह मटेरियल ये सारा एस के नाथ जी अपनी तरफ से ही कर रहे हैं, मतलब आपकी तरफ से सब कर रहे हैं। हाँ। आपको ऐसा कैसे मालूम हुआ कि यहाँ करना चाहिए ऐसा कार्यक्रम? ये मैंने अभी आपको बताया था ना कि यहाँ पे हम धार्मिक स्थल है और यहाँ पे आने जाने वाला और ये लोग आते हैं, बोलते हैं कोलायत का भारतवर्ष से आते हैं और वो देखते हैं यहाँ पे गंदगी और अच्छी नहीं लगती है, इसे बीकानेर या अपने कोलायत क्षेत्र के भी मतलब उनका क्या है कि वो मान सम्मान कम होता है कि यार कैसी गंदगी रखते हैं ये, बिल्कुल इसलिए ये सौंदर्यकरण करना चाह रहे हैं। खबरों में बात करेंगे श्री गंगानगर की, जहां पदमपुर के वार्ड नंबर 4 में पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई की गई। घर में मैन्युफैक्चरिंग के साथ अवैध हथियार बनाते एक सप्लायर को गिरफ्तार किया गया। मौके से पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले उपकरण जब्त किए हैं। गिरफ्तार सप्लायर 27 वर्षीय टिंकू यूपी के फिरोजाबाद जिले का रहने वाला है, हथियार बनाकर यूपी में सप्लाई कर चुका है गिरफ्तार युवक। वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर वार्ड नंबर 4 में बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पुलिस ने एक युवक को घर में मैन्युफैक्चरिंग के साथ अवैध हथियार बनाते हुए गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी रामकेश मीणा ने बताया कि गिरफ्तार किया गया युवक 27 वर्षीय टिंकू यूपी के फिरोजाबाद जिले का रहने वाला है और पदमपुर के भगत सिंह चौक पर गोलगप्पे का काम करता है। पुलिस को सूचना मिली कि गिरफ्तार किया गया युवक टिंकू घर पर ही अवैध हथियार बनाकर उत्तर प्रदेश में भी सप्लाई कर चुका है। पुलिस ने आरोपी के घर से बड़ी संख्या में हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। वहीं श्री गंगानगर के घरसाना से खबर, जहां क्षेत्र में नशे का कारोबार पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल रहा है और वहीं इस बीच वहां के एडवोकेट विजय सिंह झोरड़ की मुहिम अभी भी जारी है नशे को लेकर। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष विजय सिंह झोरड़ की नशे के खिलाफ मुहिम लगातार जारी है। नशे के खिलाफ फ्लेक्स अभियान नाम से यज्ञ को एडवोकेट विजय सिंह झोरड़ की प्रेरणा से अब सभी व्यापारी संगठन व सामाजिक संगठन इसे आगे होकर बढ़ चढ़ कर सहयोग कर रहे हैं। इसी के चलते स्थानीय कोर्ट के आगे दो फ्लेक्स लगाए गए, एक फ्लेक्स फोटोग्राफर यूनियन तो वहीं दूसरा फ्लेक्स समाज सेवी इंदिराज सोनी ने लगाया। इस दौरान फोटोग्राफर यूनियन के सभी पदाधिकारी व इलाके के सामाजिक कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थ के चलते मंडी की युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, इसे बचाने के लिए सभी व्यापारी सामाजिक संगठनों को आगे आना होगा। एडवोकेट विजय सिंह झोरन ने कहा कि उनका यह अभियान के लिए लगातार जारी रहेगा। इस क्रम में रावला मंडी में 25 से 30 फ्लेक्स जगह जगह लगाए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि नई मंडी घरसाना पुलिस थाने के समक्ष आधा दर्जन से अधिक फ्लेक्स मुख्य दीवार पर लगे हुए हैं। ग्राम पंचायत 24 ASC घरसाना के पूर्व सरपंच प्रतिनिधि नानक मिडा, फोटोग्राफर यूनियन अध्यक्ष महेंद्र दिनोदिया व समाज सेवी इंदिराज सोनी द्वारा पुलिस विभाग प्रशासन व राजनेताओं पर घर घर नशा पहुंचाने वाला फ्लेक्स लगाया गया। गौरतलब है कि जालेवा नशा चिट्टा घरसाना क्षेत्र में दिनों दिन अपने पांव पसार रहा है। समूचे क्षेत्र में नशे का कारोबार लगातार चरम सीमा पर है। बिल्कुल इसी को लेकर मानव सेवा हितार्थ नशे को रोकने की मांग, घरसाना इलाके में अलग अलग चौराहों पर नशे को रोकने के लिए पोस्टर लगाए गए हैं। मुख्य तौर पर सबसे पहले मैं आपको पोस्टर का दृश्य दिखाना चाहूँगा कि राजनीतिक पार्टियों व पुलिस प्रशासन के खिलाफ व्यंग्य रूपी शब्द लिखकर उनका तहे दिल से बधाई दी जा रही है। इस मानव सेवा हितार्थ में जो कर्णधार भूमिका निभा रहे हैं एडवोकेट विजय सिंह जी झोड़, वो हमारे साथ मौजूद है। सर, नशा लगातार बढ़ रहा है और ये जो मुहिम है इसमें महत्वपूर्ण रूप से लोगों का सहयोग मिल रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर?
देखिए पूरे भारत की युवा पीढ़ी नशे से बर्बाद हो चुकी है और हालात ये है कि आज ही कर्णपुर क्षेत्र से खबर आई है कि एक नवयुवक की नशे की ओवरडोज के कारण मृत्यु हो चुकी है। तो निश्चित रूप से इस बात की गंभीरता को आप समझिए, जो युवा ऐसे समय नशों की चपेट में आने के कारण ये अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, इस समाज के लिए बहुत ही घातक है, मानव समाज के लिए घातक है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि भारत के जितनी भी विदेशी ताकतें, विरोधी ताकतें हैं, वो भारत के युवा वर्ग को ख़त्म करना चाहती हैं। तो मेरा सभी राजनीतिक दलों से ये निवेदन है, पुलिस से निवेदन है, सरकारों से निवेदन है कि प्लीज़ जो है वो विदेशी ताकतें जो है अपने यहाँ पैर पसार चुकी है, अपने देश को बर्बाद करने में लगी हुई है। एक तरफ बॉर्डर के ऊपर BSF अर्धसैनिक बल और BSF की जवान हमारी बहनें बेटियां जो है वो बंदूकें लेकर जैसलमेर की तपती दोरों में खड़ी है, सियाचिन के ठंडे एरिए में खड़ी है, जब इसको अपने सब अंदर से खोखला कर रहे हैं तो उनको बॉर्डर पर खड़ा रख के अपने उनको क्यों सजा दे रहे हैं, उनको क्यों अपने परिवारों से दूर करके अपनी रक्षा के लिए वहाँ खड़ा कर रखा है। बहुत ही गंभीर मुद्दा है, पूरे भारत के लिए मुद्दा है और पूरे विश्व के लिए ये मुद्दा है कि नशा जो है इस मानव समाज को पूर्ण रूप से नष्ट करने में लगा हुआ है। मानव सभ्यता ने आज तरक्की करते करते हुए विज्ञान के इतने शिखर पर पहुंच चुकी है कि जहां पर और नई नई खोज होनी चाहिए, जहां पर नई नई तरक्की होनी चाहिए, मानव सभ्यता और विकास करना चाहिए, लेकिन इस नशे के कारण जो है वो पूरी पीढ़ी जो है वो बर्बाद हो रही है। इस बात को पूरे विश्व के लोग, पूरे भारत के लोग और हर धर्म के लोग, मैंने मेरे पोस्टर के ऊपर सभी के सहयोग, नशा बेचने वाले हैं चाहे वो नशा पीने वाले हैं, सभी हमारे हैं, हमारे समाज के हैं। तो मैं सभी को मैसेज देना चाहता हूं कि जो गलतियां कर चुके हैं अपने, जो बुरी संगत में फंस चुके हैं, मेडिकल सुविधाएं सरकारें फ्री दे रही है, उन सुविधाओं का फायदा लेके अपने जीवन को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, अपने देश को बचाइए और पूरे मानव जगत को बचाइए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत जी, मुख्य तौर पर पोस्टर लगने के बाद जिस प्रकार आपकी मुहिम बढ़ी है तो पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाइयां भी की गई है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए अभी तक हमारी नज़र के अंदर जो भी पकड़ने में आ रहा है वो अफीम और डोडा, जिसको पोस्ट कहते हैं, दो ही चीज़ पकड़ रहे हैं। जबकि मुख्य रूप से जो सबसे ज़्यादा महंगा नशा जो है, जो उच्च परिवारों के बच्चों को बर्बाद कर रहा है, वो चिट्टा है, वो स्मेक है, जो कि सबसे महंगा पदार्थ है। ये बिना सरकारी तंत्र के जुड़े होने के, बिना सरकारी तंत्र के कहीं नहीं फैल सकता। एक भी ऐसा कोई समय, गढ़साना में एक किलो स्मेक, रावला में एक किलो स्मेक, हजवाड़ा में एक किलो स्मेक, अनूपगढ़ में एक किलो स्मेक प्रतिदिन बिक रही है और कार्रवाई के नाम पर अभी तक इन्होंने 50 ग्राम स्मेक भी किसी से बरामद नहीं किए। और सबसे बुरी बात यह है कि पुलिस कहती है कि हम जो स्मेक पी रहे हैं उनका हमारे पास क्या इलाज है। तो मेरी इनसे बात हुई थी, मैंने कहा कानून में हर प्रकार का प्रोविजन है, आप हर पुलिस कर्मचारी का मेडिकल करवाइए, हर जिस नशा पीने वाले का मेडिकल करवाइए, उनको पकड़िए, उनको समझाइए और उनको सजा दिलवाइए, ताकि ये समाज में जो गंदगी फैल चुकी है वो सब हम सब मिलके उसको हटा सके। बिल्कुल, नशे की लगातार फैलाव को लेकर विरोध के स्वर जो है समूचे घटाना मंडी में देखने को मिल रहे हैं। आज फोटोग्राफर यूनियन ने भी यहाँ पोस्टर लगाया है, हमारे साथ महेंद्र सिंह तिनोदिया मौजूद है। सर, युवाओं में नशा गर्द कर चुका है और युवा पीढ़ी लगातार इस नशे की चपेट में आ चुकी है, मुख्य तौर पर क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार आपकी यूनियन ने आज पोस्टर लगाए हैं? देखो सर, हमारी यूनियन के समस्त फोटोग्राफर इस यूनियन के अंदर, जैसे एडवोकेट विजय सिंह गोयल साहब ने ये मुहिम चलाई है, तो मैं वायदा करता हूँ कि हमारी समस्त फोटोग्राफर यूनियन इस मुहिम के साथ है। और युवा वर्ग को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि ये बहुत ही खतरनाक नशा है, इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जल्दी से जल्दी इसको छोड़ने की कोशिश करें। कोई संस्थाएं इसको उनके इलाज के लिए भी आगे आएंगी और कृपा करके इसको इसे पूरी बनाएं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं नशे के कारण जो युवा पीढ़ी है वो गर्त में जा रही है। मुख्य तौर पर एक ही उद्देश्य है कि नशा मुक्त समूचा गंगानगर जिला, ये मुहिम यूं ही चलती रहेगी जब तक नशे पर कंट्रोल जो है वो नहीं होगा।
मैं मेरे सहयोगी राकेश के साथ विकास परिक, डीपीके न्यूज, गढ़सा। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, और तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।